ब्रिटेन के बाद अमेरिका एमका के लिए गिड़गिड़ाया। G7 के दौरान अमेरिका ने भारत से कहा एमका के निर्माण में कर लो शामिल। दोस्तों G7 समिट में अगर किसी भी देश का सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो वह भारत है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आने वाले कुछ ही सालों में एमका फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख फाइटर जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट को जब बनाने की भारत में शुरुआत हुई थी तो उस वक्त पहले ब्रिटेन ने खूब भारत का मजाक बनाया, उसके बाद अमेरिका ने अब इत्तेफाक देखिए ब्रिटेन भारत से इस फाइटर जेट के निर्माण का साझेदार बनने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा चुका है। तो अब अमेरिका भी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को समझ आ चुका है कि भारत जिस तकनीक का इस्तेमाल इस एमका जेट में कर रहा है इसे बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो भारत के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए। ये वही अमेरिका है जिससे भारत ने शुरुआत में कहा था कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर एमका के इंजन का निर्माण करेंगे, लेकिन अमेरिका ने भारत को सॉरी बोल दिया और कहा था कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी को साझा नहीं कर सकते। लेकिन G7 समिट के दौरान जब अमेरिका भारत के घुटनों पर आ चुका है अब अमेरिका भारत के सामने घुटनों पर आ चुका है, एमका के लिए कई ऑफर कर चुका है। कई वीडियो में आपने एमका के बारे में सुना होगा कि यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन भारतीय वायुसेना का कहना है कि यह केवल फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा बल्कि यह और भी घातक होने वाला है। इसकी तुलना अक्सर चीन की जेट लड़ाकू विमान से करी जाती है, लेकिन असलियत यह है कि यह ज्यादा खतरनाक होगा और इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना 5.5 से ऊपर 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान की श्रेणी में देखती है। फिलहाल चीन के सभी फाइटर जेट से भारत का एमका लड़ाकू विमान कहीं ज्यादा अपग्रेडेड होगा। इसकी तुलना जापान के मित्सुबिशी एपेक्स और रशिया का मिकोयन PAK-DP से करी जाती है। ये दोनों देश भी 6th जनरेशन लड़ाकू विमान के निर्माण पर काम कर रहे हैं। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इस विमान के जिन फीचर्स के खुलासे किए गए हैं उसे सुनकर तो हर भारतीय को गर्व होता है कि आने वाले कुछ साल में भारत को ऐसा लड़ाकू विमान मिलने वाला है जो किसी भी युद्ध में तबाही मचा सकता है। लेकिन भारत के लिए इस विमान के निर्माण की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो इस फाइटर जेट के इंजन को लेकर है, क्योंकि भारत में अभी इस विमान के लिए ताकतवर इंजन नहीं बनाया गया है और ना ही किसी देश के साथ मिलकर भी काम शुरू हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि इस फाइटर जेट में हम कौन से इंजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि इंजन किसी भी फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना विमान का निर्माण करना तो बिल्कुल असंभव है। तो वहीं अब अमेरिका को भी तलब हो रहा है कि वो इस लड़ाकू विमान का हिस्सा बने, इसलिए अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर एमका के लिए इंजन का निर्माण करना चाहता है। तो आखिर ये लड़ाकू विमान कितना ताकतवर, कौन सी खूबियां हैं कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस सब इसके इंजन के निर्माण के लिए तैयार हो गए हैं, आइए जानते हैं। दरअसल चीन जिस प्रकार से बॉर्डर पर भारत पर हमले करने की फिराक में लगा रहता है उससे यह लड़ाकू विमान बहुत ही अहम माना जाता है। जब किसी देश पर युद्ध होता है और लड़ाकू विमान से हमला किया जाता है तो यही लड़ाकू विमान सबसे आगे दुश्मन देशों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोकता है और इसमें लगे खास मटेरियल रडार की पकड़ में नहीं आते हैं जिससे वह दुश्मन देशों की सीमा के सभी विमानों से पहले अंदर घुसकर जितनी भी जानकारियां होती है अपने पीछे चल रहे लड़ाकू विमान को पास कर देता है। अभी तक भारत के मिराज 2000 सुकोई MKI राफेल और तेजस को ही भारतीय वायुसेना की ताकत माना जा रहा है, लेकिन DRDO और हाल के द्वारा यह जो फाइटर जेट बनाया गया यह दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। उधर फ्रांस के द्वारा बनाए गए राफेल से 4 गुना अधिक ताकतवर होगा। उधर चीन का एक भी लड़ाकू विमान इसकी ताकत की तुलना नहीं कर पाएगा। इस तरीके से लड़ाकू विमान को बनाने की शुरुआत तो कई देशों में की थी लेकिन सफलता अभी तक केवल अमेरिका को ही मिल पाई है। लेकिन अमेरिका के इंजन ज्यादातर ताकतवर नहीं माने जाते, इसलिए भारत का यह आने वाला 5.5G फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट से भी अधिक खतरनाक होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल नए इंजन का निर्माण किया जाएगा जिसे आज तक किसी भी देश में नहीं बनाया गया हो। यह विमान एमका विमान है, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे यह विमान इतना खतरनाक होने वाला है। दोस्तों जिस तरह से भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार खतरा बढ़ रहा है उससे एमका विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है।
इस विमान की सबसे खास बात इसकी मारक क्षमता और इसके बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल है। इस लड़ाकू विमान को बनाने में जिस मटेरियल का उपयोग किया गया है उसको दुश्मन के रडार पहचान नहीं पाएंगे। जब यह विमान दुश्मन देशों की सीमा को क्रॉस करेगा तो रडार के द्वारा जो तरंगे आएगी उसको इस विमान में लगा मटेरियल ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे इस फाइटर जेट में बैठे पायलट को तो पता चल जाएगा लेकिन दुश्मन को इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इससे भी बड़ी बात तो मारक क्षमता है, ये 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान कर लेता है। इतना ही नहीं, यह भी बताएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देश ने दागे हैं उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा में आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। यह सभी जानकारियां इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचा देते हैं। यह सभी जानकारियां EOTS द्वारा दी जाती है। दोस्तों, इस EOTS का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जो किसी भी हमले को 500 किलोमीटर पहले ही जानकारी दे देता है। यह बहुत बड़ा रेंज है। आपको बता दें कि राफेल, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जा रहा है, इसमें लगे EOTS केवल 250 किलोमीटर तक ही जानकारी दे पाते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से हमले का पता लगा सकता है, वो किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है और वो हमले पर सटीक निशाना लगा पाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारतीय लड़ाकू विमान आज के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की तुलना में 5 से 4 गुना अधिक ताकतवर होगा। इसमें आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से किसी देश के हमले का सामना करने के लिए किस स्तर की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एमका फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से एक इंजन के फेल होने के बाद दूसरा इंजन कार्य करना शुरू कर देता है। यह भारत का सबसे ताकतवर 2-in यानी कि 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसे दुश्मन का रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO को दी गई है। इस फाइटर जेट के निर्माण में स्टेल्थ फीचर्स का उपयोग किया गया है, जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकेगा। इस स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है, जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को ये खुद ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते यह आसानी से दुश्मन देश के अंदर घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है। उधर भारत का LSC और LOC पर कभी भी मंजर शांत नहीं दिखता है और पाकिस्तान में तो हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी रहती है, जिसके चलते भारत को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है। अब ऐसे में जिस फाइटर जेट को सर्जिकल स्ट्राइक में उपयोग किया जाता है, उसमें ऐसी तकनीक लगी होनी चाहिए जो रडार की पकड़ में ना आए। इस लिहाज से एमका फाइटर जेट भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह रडार को बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है और यदि किसी कारणवश यह दुश्मन की नज़र में आ भी जाता है तो इसमें EOTS तुरंत फाइटर को अलर्ट कर देता है और दुश्मन के वार को सटीक जानकारी उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह EOTS फाइटर की नोज के बिल्कुल नीचे लगे होते हैं। यह EOTS जितने बड़े होते हैं उतने ही अधिक कारगर होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एमका की ताकत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।